लुधियाना के दोराहा में श्री आत्मबल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से निर्मित श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ के अंजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव के चौथे दिन कई मंगलकारी आयोजन संपन्न हुए। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय बल्लभ सूरी समुदाय के गठाधिपति शांतिदूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी एवं अन्य साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ चारों ओर खुशियां छा गई और मंगल गीत गाए गए। महोत्सव के चौथे दिन विभिन्न पात्रों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर मुंबई से पधारे भजन गायक नरेंद्र वाणी गोता ने भजनों का गुणगान किया। इस दौरान युवतियों एवं नन्ही बच्चियों ने नृत्य पेश किया। महोत्सव में महेंद्र सिंह पूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स तेरापंथ समाज से कमल नवलखा कुलदीप जैन सुराणा विशेष तौर पर मौजूद रहे। महोत्सव के चौथे दिन की नवकारसी का लाभ श्री शांतिदूत भगत मंडल लुधियाना ने लिया। इस मौके पर श्री मणि लक्ष्मी धाम के निर्माता दिनेश भाई थलिया, ट्रस्ट के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल, प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन, महामंत्री विनोद जैन जैनसन, कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन, ट्रस्टी मनमोहन सिंह जैन चेन्नई, मनोज जैन ट्यूडर, राजेश जैन मेघा, सुनील जैन कोहिनूर, रजनीश ओसवाल श्रेयांश, राजन जैन अरिहंत ज्वेलर्स, कमल जैन लास्को, रमेश जैन बरड़, संजीव जैन स्वास्तिक, सुशील जैन यूनिमैक्स सहित समूह जैन समाज मौजूद रहा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। हमारे श्याम मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट के हमारे सम्माननीय श्री भरत भाई दिनेश भाई थलिया वाला परिवार ने हमारे पंजाब को इतना भव्य अति भव्य गगन चुंबी शिखर व दिव्य भव्य कलात्मक तीर्थधाम बना करके दिया और उसमें त्रिशिखरी मंदिर है, तीन शिखर वाला मंदिर है, बहुत अद्भुत बेनमून कलात्मक मंदिर है और उसमें भगवान के मूल नायक भगवान के जमणी बाजू राइट हैंड की तरफ वासुपूज्य भगवान का बहुत सुंदर कलात्मक मंदिर है और उस मंदिर के शिखर के ऊपर कलश चढ़ाने का नाम है, स्वर्ण कलश है, बहुत बेनमून कलश है और उसमें भी देखिए कलश का विशेष महत्व है। हमारे जिन शासन में कलश का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन का नियम हो कि मुझे प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन करने के बाद ही मुझे अन्न जल ग्रहण करना, किसी का संकल्प हो, नियम हो, अभिक्रह हो, अगर वह व्यक्ति किसी मजबूरी से अगर मंदिर में आने की स्थिति में नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, वह मंदिर में आकर के परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर भले आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर से भी अगर कहीं पर भी बाहर खड़े होकर के भी और मंदिर के कलश के दर्शन कर लेता है, तो उसे परमात्मा के दर्शन जितना पुण्य मिलता है, और उसका परमात्मा दर्शन का नियम भंग नहीं होता है, नहीं टूटता है, इतना कलश का महत्व है। परमात्मा के मंदिर के शिखर के ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। बहुत सस्ते में बहुत बड़ा लाभ, इतने महान तीर्थ धाम के ऊपर शिखर के ऊपर कलश चढ़ाना। और देखिए ये कलश जो है एक बार ही चढ़ाया जाता है, 10 दफा नहीं चढ़ाया जाता, कलश एक ही बार चढ़ाया जाएगा, केवल प्रतिष्ठा के अवसर पर ही यह कलश चढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके परिवार के यश रूपी कलश चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। Thank you.
चतुरंगुलतो नालं छित्वा